इसमें शायद रिकॉर्ड भी हो गया यार। हाँ कहीं बता दी बंदे है? तो गाय एक बार आप चारों तरफ देख लीजिए कितना एक खतरनाक जंगल है। और गाय इसमें बता दूं ये जंगल एक नॉर्मल जंगल नहीं है, सबसे खतरनाक जंगलों में आता है, खतरनाक जंगलों में से एक जंगल है ये। और मैं आपको बता दूं ये राजस्थान के अजमेर ज़िले के अंदर आता है और हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर ये जंगल स्थित है। और इस जंगल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ पर कई लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती है आए दिन। और गाइस इस जंगल के अंदर कई प्रकार के जानवर, मवेशी आदि, यहाँ पर खतरनाक जानवर यहाँ पर इस जंगल में रहते हैं। तो गाइस हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए हम ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं, तो बने रहें इस वीडियो के साथ और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। गाइज मैं बता दूं आपको वीडियो की शुरुआत करने से पहले लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक का बटन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो मेरे भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर कुछ हमें हड्डियाँ वगैरह कुछ देखने को मिली है। तो हमें इस जंगल से हमें संकेत तो मिल चुका है कि ये जंगल सबसे खतरनाक जंगल है। और ये हड्डियाँ पता नहीं किस जानवर की है, ये हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। तो हमें तो सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि जंगल है, जंगल में कुछ जानवर भी आ सकता है। तो गाइस मैं आपको एक बार उस पहाड़ी का जूम करके दिखा देता हूँ जहाँ पर हमें अभी चढ़ाई करना है। और एक बार आप देख लीजिए ये जो आपको ध्वजा टाइप में दिख रहा है, यहाँ पर हमको चढ़ाई करना है। और इस पहाड़ी तक हमें पहुँचने के लिए एक काफ़ी सारा नाला है नीचे, वो जहाँ से पहले पानी आता था। तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में से उस नाले को हमें पार करते हुए हमें नीचे की ओर जाकर फिर से वापस चढ़ाई करनी होगी। तो गाइस हम अभी नीचे के लिए रवाना हो चुके हैं। तो गाइस देख लीजिए हम अभी एक पहाड़ी को कवर करके दूसरी पहाड़ी पर चढ़ाई करने के लिए हम नीचे पहुंच चुके हैं। और यहां का अभी मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं। यहां पर अभी चारों तरफ देख लीजिए आप, अंधेरा छाया हुआ है और हमें वहां तक पहुंचने में तो रात भी हो चुकी है। और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि हम माता जी के ऊपर तक पहुँचेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। गाइस हमें यहाँ की जानकारी मिली है कि यहाँ पर लोग दिन में ही आने से कतराते हैं और उनको एक डर सा लगता है। तो हमने शाम का समय चॉइस किया है और लगभग हमें जहाँ तक पता है हम मंदिर तक पहुँचेंगे, उसके पहले हमें काफ़ी रात हो जाएगी। और राजी का स्थान है हम वहाँ तक पहुँच जाए तो शायद हम आपको अच्छे तरह से वहाँ का युद्ध दिखा सके। अभी आप समय देख लीजिए, समय 11:06 हो चुके हैं और अभी हम चढ़ाई करना बाकी है, तो हम जल्दी से वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ का जो व्यू है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो गाइस हम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर गुफा के अंदर माता जी का मंदिर है। तो बने रहे इस वीडियो को और इस वीडियो के साथ और इसके बिल्कुल भी ना करें किसी भी प्रकार की मोमेंट, कोई आपको वॉइस आपको सुनने के लिए मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो चीज़ क्या थी, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हो सकता है वो चीज़ हमारे सामने ना हो और कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाइस हम अंदर जा रहे हैं गुफा के अंदर और अंदर कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं आपको ये पता नहीं सामने क्या चमक रहा है, आपको कुछ दिख रहा होगा, मैं जूम कर लेता हूँ एक बार।
गाइस, ये तो कुछ धवजा लग रहा है मुझे, तो जो धचा है वो चटाएगी ये। चलिए आगे चलते हैं। और कुछ डरावनी सी आवाज़ें भी यहाँ पे लग रही है। गाइस एक बार आप यहाँ पे कुछ, शायद मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ है, कुछ आवाज़ सी आ रही है। और ऊपर भी मैं दिखा दूँ कुछ, पता नहीं क्या है। अरे भाई लाइट चालू कर, भाई लाइट चालू कर यार, ना सीन है यार यहाँ का। भाई लाइट मत बंद कर यार, बहुत डर लग रहा है यार अंदर। गाइस कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, आप जिस प्रकार से एक गुफा देख पा रहे हैं, बहुत डरावनी गुफा है। और मुझे, मेरा तो दिल नहीं कर आगे जाने का, रात का काफ़ी समय हो चुका है। और अभी हम धीरे धीरे गुफा की ओर जा रहे हैं अंदर। गाइस कुछ ना कुछ तो आवाज़ आ रही है यहाँ पर, हालांकि हमारे पास लाइट की व्यवस्था भी है, लेकिन ये पेड़ वगैरह है, गुफा के अंदर है। मैं आपको दृश्य दिखा देता हूँ एक बार, पीछे का भी देख लीजिए, पीछे भी इधर ध्वजा वगैरह लगी हुई है, ये पेड़ वगैरह है। और ऊपर से जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, सामने अंधेरा अंधेरा है और रात का काफ़ी समय हो चुका है। पीछे बिल्कुल अंधेरा है, हमें ये भी नहीं दिख पा रहे हैं कि हम किधर, कौन सा रास्ते से हम आए थे। चलिए अभी तो आगे गुफा बाकी है। ये गाइस रास्ते में एक भैरव जी का स्थान है, आप देख लीजिए, ये मूर्ति रास्ते में पहले आती है अंतर माता जी की गुफा के अंदर जाने से पहले। और शायद यहाँ पर कोई जोत वगैरह लेते हैं जो आते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर शायद रूम है पहले का बना हुआ। एक बार लाइट में उधर कीजिए, एक बार गाइस देख लीजिए अंदर, ये जो गुफा है इधर से भी एक रास्ता आता है, बहुत भयंकर रास्ता है ये। और यहाँ पर जानवर और कई मवेशियों का खतरा जरूर बना रहता है। आपको मैं दिखा देता हूँ ऊपर का ये जो मंदिर का जो दृश्य है और अंदर का जो सीन है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अंदर की ये गुफा है मेन, और भाई भाई लाइट ऑन कर, भाई लाइट ऑन कर, कुछ ना कुछ है अंदर, कुछ दिखाई दे रहा है अंदर। भाई इधर कर, इधर कर, इधर कर लाइट, इधर कर, इधर कर यार। अरे यार कुछ ना कुछ तो है यार, क्या दिखा है? अरे भाई लाइट ऑन कर यार, लाइट ऑन कर भाई। अरे इधर कर भाई, इधर कर लाइट, क्या गाइस कुछ ना कुछ यहाँ महसूस हो रहा है हमें। चलो हम कोशिश करेंगे ऐसे जल्दी निकलने की। और झाड़ियों के पीछे, किधर? अच्छा अजी, ये तो धज्जा 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 है। गाइस एक चीज़ मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, यहाँ पर जो है ये जो एरिया है वो डेंजर है। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इधर ये जो पत्थर है, एक पत्थर यहाँ की जो कहानी है वो इस कहानी इस पत्थर के ऊपर टिकी हुई है। आप एक बार देख लीजिए, ये पत्थर बहुत ही कम जगह है, उसके बावजूद भी ये ठहरा हुआ है। कहा जाता है कि ये जो पत्थर है सिर्फ हवा में झूलता हुआ आपको नज़र आता है। गाइस इस पत्थर की जो कहानी है इस प्रकार से है कि कोई, कहा जाता है कि इस पत्थर के ऊपर अगर कोई चिड़िया भी बैठ जाती है तो ये झूलने लग जाता है। तो आप सोचो, अगर कोई व्यक्ति, कोई अगर कोई मवेशी वगैरह कुछ कुछ भी अगर इस पत्थर के ऊपर बैठ सकता है, बैठ जाए तो मानो ये, और नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो गिरने, अगर ये गिर जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। हालांकि जो माता रानी है उसकी कृपा है यहाँ पर, आप देख लीजिए, ये माता रानी के आशीर्वाद से ही यहाँ पर
लिखा हुआ, पता नहीं ये पहाड़ी के ऊपर से आया हुआ है। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर जाने में जगह बहुत कम है और यहाँ का जो सीन है वो इस प्रकार से है। देख लीजिए अंदर माता रानी की जो मूर्ति है वो भी है, इधर पूजा वगैरह की जाती है। ये माता रानी का त्रिशूल है और कुछ अंदर से आवाज़ें भी आ रही है। गुफा और भी अंदर है लेकिन यहाँ का जो लोकेशन है वो खतरनाक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से बहुत डरावना है। अंदर हो सकता है कुछ जीव जानवर, हो सकता है कुछ भी। तो गाइस हमारे पास किसी प्रकार की कोई सुरक्षा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे यार इसमें शायद रिकॉर्ड भी हो गया यार। गाइस अगर आपको इसमें कुछ दिखे तो जरूर बताना आप प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में। कैमरा पकड़ो तो मैं बढ़ जा। अब नहीं बड़ा। वैसे एक बार यहाँ एक बार देखिए लाइट से कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और मैं एक बार भाई से बोलूँगा कि यहाँ की जो एक बार लाइट है एक बार उसको बंद कर दीजिए। गाइस देख लीजिए बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी। यहाँ पर कुछ आवाज़ें भी अजीब अजीब सी आ रही है यार, कुछ ना कुछ तो है यार भाई यहाँ पर। चलो यार हैं चलते, चलो एक बार अंदर का और सीन देख लेते हैं एक बार क्या हुआ था। और गाइस एक बार आप अंदर कुछ ना कुछ चल चला तो हम गाइस गाइस हम कोशिश कर रहे हैं पूरी अंदर जाने की। और हैं तो आ रही हूँ, आ रहा हूँ भाई यार, अंदर आ रहा हूँ। मोबाइल पकड़ना है बस, आ गया जस्ट अंदर। जगह भी बहुत कम है निकलने के लिए अभी, लेकिन मैं अंदर तक तो आ गया हूँ। देख लीजिए आप कितनी लंबी गुफा है गाइस। यहाँ पर शायद हम आगे नहीं जा पाएंगे, अंदर ऊपर तक निकलती है गुफा। और हमारे पास, मैं आपको पहले बता दूँ, हमारे पास सुरक्षा का इतना साधन नहीं है तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। और ये इधर मंदिर है माता जी का। और ये जो गुफा है मैं आपको दिखा दूँ, इधर भी बहुत खतरनाक दृश्य है। ये पता नहीं क्या है यहाँ पर सामने, ये पता नहीं क्या दिख रहा है, ये चलक रहा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। सामने से पत्थर के बीच में से मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है भाई। लाइट बंद मत कर यार। अरे भाई लाइट बंद मत कर यार, डर लग रहा है यार प्लीज़। और गाइस मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, अंदर भी कुछ नज़ारा है गुफा का। देख लीजिए आप अंदर ये निकलता है। हालांकि हम कोशिश, हमारा विचार था पूरा अंदर जाने का, लेकिन हम यहाँ माता जी तक पहुँच पाए हैं क्योंकि आगे हमें खतरा लग रहा है। तो गाइस हम आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत डरावना दृश्य लग रहा है। देख लीजिए आप ऊपर तक। और मैं आपको बता दूँ अगर आप कभी यहाँ आए तो पूरी सुरक्षा के साथ आए। देख लीजिए आप इधर भी देख लीजिए गाइस, ये भवानी का आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँच पाए। कहा जाता है कि यहाँ पर अकेला व्यक्ति तो किसी भी हालात में नहीं आ सकता है। देख लीजिए इस रास्ते से हम अंदर आए थे गाइस, इधर गुफा भी आप देख लीजिए अंदर तक। रात का समय काफ़ी हो चुका है और इधर भी पत्थर ऐसे हैं कि यहाँ पे कुछ अगर कोई सांप वगैरह भी निकल जाए ना, तुम्हारे पास ऐसा कोई साधन या किसी प्रकार का कोई सुरक्षा के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तो गाइस मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बार मैं भाई को दिखा दे एक बार रास्ता कितना है। एक बार यहाँ पर एक बार देख, मैं कोशिश करूँगा कि बिना किसी नुकसान के हम यहाँ से बाहर निकल जाएँ सेफ। गाइस मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कभी आए तो पहली बार तो अकेले नहीं आए कभी भी, और पूरी सुरक्षा के साथ आए यहाँ पर। धीरे धीरे आगे आ जाए गाइस, मैं सेफ बाहर आ चुका हूँ और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप भी बाहर आ जाइए। ये आपको दिख रही है जो चमगादड़ है, कितनी खतरनाक ड्रावना लग रही है आप देखिए, कितना ड्रावना देखिए कैसे कर रही है। देखो मुंह को देखो,